हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू माय चैनल मिस्टर केंदी टैरो। आज हम जेमिनाइज की रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि जो रिमेनिंग डेज ऑफ मे हैं अभी बचे हुए हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं जेमिनाइज। ओके, देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट रीडिंग होगी, लेस देन 10 मिनट्स। तो यस, व्हाट्स गोइंग टू हैपन फॉर जेमिनाइज? आई थिंक किसी सिचुएशन में स्टक है आपके पर्सन या आप मे बी। The Hanged Man, Five of Pentacles, okay, Page of Swords and King of Cups. So जहां तक कि मुझे लग रहा है जेमिनाइज, मे बी योर पर्सन और यू, अब दोनों में से कोई एक किसी सिचुएशन में स्टक है। हो सकता है फैमिली के वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर ये जो भी है एक्सटर्नल, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि एक्सटर्नल लोगों के वजह से, बाहरी लोगों के वजह से आप दोनों काफ़ी झेल रहे हो। आप दोनों के लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, डेफिनेटली, लेकिन मंथ ऑफ मे के चलते चलते ये जो भी प्रॉब्लम्स है इससे बाहर निकलेंगे। विद द हैंग्ड मैन मुझे ये भी लग रहा है डेफिनेटली किसी सिचुएशन के वजह से ये स्टक रख रहे हैं आपको, और आप भी स्टक रख रहे हो इनको। ये कोई भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है तो वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है अटके पड़े हैं किसी सिचुएशन में, फैमिली की वजह से, या फिर अपने काम के वजह से, या काम की जगह पे, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में। सिचुएशंस हर एक की अलग अलग हो सकती है, बहुत सारे लोग दिखते हैं रीडिंग, तो स्पेसिफिक मैं किसी का नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि किसी सिचुएशन के वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि सिचुएशन आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा किसी को चेज कर रहे हो, या कोई आपको चेज कर रहा है, या किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ बजाय के इस इंसान के। सो ये मुझे ओवरऑल लग रहा है कि कोई ऐसा फील कर रहा है कि मैं इस इंसान के ज़्यादा पीछे पीछे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो कि इनको काफ़ी बुरा लग रहा है। ओके, शायद ये इसी वजह से ही आपसे दूर चले गए कि इनको लग रहा था कि एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा डाल रहे थे और आप कम डाल रहे थे। आपको लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेज किया है, इस पर्सन को थक गए हो लिटरली। ओके, देख रहे हो ये जो पर्सन चेज कर रहा है काफ़ी थक गया है। सो ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। ओके, या फिर ओवरऑल जो सिचुएशन ही हो रही है आप दोनों के, हो सकता है आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे इस रिलेशनशिप को, आप शादी में बदलना चाहते हो बट घर वाले आपके मान नहीं रहे, ये वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है आप एक यंग एनर्जी से डील कर रहे हो, कोई एयर साइन। ओके, सो किसी यंग एनर्जी से डील कर रहे हो, मे बी आपसे एज में कम है या आप उनसे एज में कम हो, सो एज डिफरेंस बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हो, या लिटरली किसी से रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहते हो वंस एंड फॉर ऑल। ये मुझे जेमिनाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। ओके, हो सकता है किसी और एयर साइन से डील कर रहे हो, लिब्रा एक्वेरियस या जेमिनाइज से डील कर रहे हो। ओके, अर्थ साइन से डील कर रहे हो, वाटर। देखिए, साइन स्पेसिफिक और जेंडर स्पेसिफिक मेरे वीडियोस वैसे भी नहीं होते हैं, सो उस चीज़ को आप देख लीजिए कि आप कैसे सिचुएशन से डील कर रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनके दिल में फीलिंग्स तो है लेकिन वो जाहिर नहीं करते, आउट ऑफ ईगो मे बी, या फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसके वजह से वो अटका हुआ महसूस कर रहे हैं और कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। सो ओवरऑल एक अटकी हुई सी फीलिंग मेरे को लग रही है। ऑब्स्टैकल्स काफ़ी हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, और जो भी ऑब्स्टैकल्स है वो तीसरे ही पर्सन के वजह से है, किसी और के वजह से आप दोनों झेल रहे हो, ये मुझे ओवरऑल यहाँ पे फील हो रहा है। लेट्स सी व्हाई इज फाइव ऑफ वॉन्ड्स हियर। ओके, सो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस आप दोनों एक दूसरे से दूर हो और आइसोलेटेड, लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो। दोनों ही शायद 3 महीने से एक दूसरे से अलग हो, तो मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, सो नहीं पाते हो, डिप्रेशन में हो, सैड फील कर रहे हो, ये मुझे ओवरऑल एनर्जी लग रही है। व्हाई इज हैंग्ड मैन हियर? हु इज दिस हैंग्ड मैन इन दिस कनेक्शन? हु इज दिस हैंग्ड मैन इन दिस कनेक्शन? ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप दोनों की बात भी नहीं हो रही है,
ओके नो कम्युनिकेशन नहीं हो या बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मुझे जहाँ तक कि ये भी फील हो रहा है कि आप काफ़ी वेट कर रहे हो किसी चीज़ को, किसी चीज़ का होने का, या तो आप किसी के आने का वेट कर रहे हो या जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसका सॉर्ट आउट होने का वेट कर रहे हो, तो स्टक हो सिचुएशन में, पेशेंस काफ़ी रखा हुआ है आपने, शायद बात भी नहीं हो रही आपकी काफ़ी टाइम से एक दूसरे से. ओके मुझे आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम से ज़्यादा किसी और के वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादा फील हो रहा है. वाइज फाइव ऑफ पेंटिकल्स योर फॉर जेमिनाइज. ओके डेफिनेटली एक दूसरे को मिस कर रहे हो, वो चीज़ें मिस कर रहे हो जो आपने टाइम स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ, वो मिस हो रहा है. ओके डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है. वाइज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स योर, हु इज दिस पर्सन हु वॉन्ट्स टू कट ऑफ समवन फ्रॉम देयर लाइफ. वाइज इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो कंपैरिजन्स हो रहे हैं पास्ट सिचुएशन और अभी के सिचुएशन को देख के आप दोनों, या हो सकता है कि ये पर्सन किसी और से डील कर रहे हैं आपके पर्सन और आप इनको अभी कट ऑफ कर देना चाहते हो, या कोई आपके आपको और किसी और को कंफ्यूज कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, या उस पर्सन को आप कट ऑफ कर देना चाहते हो अपनी लाइफ से. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? बेसिकली एक तो आप किसी पर्सन को अपने लाइफ से कट ऑफ कर देना चाहते हो या किसी सिचुएशन को अपने लाइफ से कट ऑफ कर देना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि जो पास्ट था वो बेटर था. ओके जो कंपैरिजन चल रही है. वाइस किंग ऑफ कप्स. ओके तो बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फीलिंग्स तो बहुत है आपके पर्सन के आपके लिए. ओके अगर आप दोनों में ही प्रॉब्लम चल रहा हो, किसी थर्ड पर्सन की वजह से नहीं है, फीलिंग्स बहुत है लेकिन आपका पर्सन अभी दिखा नहीं रहा है, वो आपको यूँ जता रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ओके मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन है क्योंकि किंग ऑफ कप से बहुत प्रोफाउंड फीलिंग्स है लेकिन दिखा नहीं रहा है. ओके लेट्स सी द ओवरऑल एंड म्यूचुअल एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन द यूनिवर्स. डेफिनेटली रिकन्सिलेशन होगा. अगर इस पर्सन ने ही दूरी बना ली थी तो ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएंगे ये मंथ एंड होते होते, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई सिचुएशन अगर आपके फेवर में नहीं थी तो सिचुएशन आप दोनों के फेवर में आ जाएगी. सो यही थी रीडिंग फॉर जेमिनाइज. ओके अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट करना कि हाँ ऐसे और वीडियोज़ चाहिए आपको आगे, एंड लाइक और शेयर ज़रूर करना. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.